हेलो स्टूडेंट्स, तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वेव चैप्टर, आफ्टर नोइंग अबाउट द स्टैंडिंग वेव्स, व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, हाउ डू दे फॉर्म, ओके, एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग वेव, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टैंडिंग वेव, नोड, एंटी नोड, एनर्जी इज ऑसिलेटिंग विद इन टू लिमिट्स इन बाउंडेड मीडियम. वी नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग. तो पिछली क्लास में मैंने आपको स्टैंडिंग वेव के बारे में बता दिया था और ये कहा था कि अब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स स्टैंडिंग वेव का एनालिसिस करेंगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे. तो तीन में हमें करना है, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग कैसे बनती हैं, उसके बाद स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स. ऑर्गन पाइप्स दो तरह के होते हैं, मतलब स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप. सो स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में क्या होता है, सपोज ये मेरा कोई स्ट्रिंग है जो दो पॉइंट ए बी के बीच में इसको टाइट करके बांधा गया है और एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया. सो व्हेन टेंशन इज प्रोड्यूस्ड एट लेफ्ट एंड, अगर मैं इसको लेफ्ट एंड पर प्लग कर देता हूँ, सो वेव विल फॉर्म्ड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जिसका इक्वेशन क्या होता है, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो यहाँ से चलेगी और इस राइट एंड से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी. अब चूंकि रिफ्लेक्शन क्लोज्ड बाउंड्री से हो रहा है तो ये अपोजिट फेज में रिफ्लेक्ट होएगी. ऑल राइट, तो लेफ्ट टू राइट के लिए मैंने इक्वेशन लिख दिया वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये आपको पहले से पता है कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रेवलिंग वेव वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बिकॉज दिस वेव वेव इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स राइट और अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब जब जो राइट एंड है वहां से अपोजिट फेज में रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो एक तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गई, वो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. दूसरा फेज अपोजिट हो गया, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री का. सो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. ओके, तो यहां पर अगर मैं के एक्स प्लस 180 डिग्री लिखूंगा तो ये आ जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस, तो इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव में है, और प्लस 180 डिग्री तो यहां आ जाएगा माइनस, तो इसलिए इसको यहां पर हम इरेज कर देते हैं. ओके, अब इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या होती है, एक वेव इधर से जा रही होगी इंसिडेंट वेव और दूसरे एंड से वेव रिफ्लेक्ट करके आ रही होगी, तो दे सुपरइम्पोज एंड प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था. तो सुपरपोजिशन से जो स्टैंडिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू. सो वाई वन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेकेंड वेव का माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. ओके, अब ये साइन c माइनस साइन t की आइडेंटिटी बन गई, जो ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स में आप स्टडी करते हैं. और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या होता है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू टू कॉस c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू. ओके, तो अब देखो यहां पे, आफ्टर अप्लाइंग दिस साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का आइडेंटिटी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा टू कॉस, ये सी का काम करेगा ये डी का, सी प्लस डी मतलब के एक्स कैंसिल हो गया, टू ओमेगा टी अपॉन टू, तो कॉस ओमेगा टी. साइन सी माइनस साइन डी ओमेगा टी कैंसिल हो गया, माइनस टू के एक्स अपॉन टू माइनस के एक्स, और माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस टू आर साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सिंगल साइन आएगा या सिंगल को साइन आएगा. जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होगा, सुपरपोजिशन दो ट्रेवलिंग वेव को सुपर इम्पोज करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसमें साइन और कॉस दोनों होंगे, और जो टी वाली टर्म है, चाहे तो वो कॉस टी है या वो साइन टी है, उसको छोड़ के जो बाकी सब कुछ बचेगा, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव. ओके, अब बाउंड्री कंडीशंस, अब हमें यह देखना है कि जो स्टैंडिंग वेव तो बन गई, स्टैंडिंग वेव का हमने इक्वेशन भी लिख लिया, भाई दो प्लेन वेव है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, उनको सुपर इम्पोज करा के हमने स्टैंडिंग वेव बना ली, उसका हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख दिया. अब उसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, मतलब किन किन पोजिशंस पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, किन किन पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम रहेगा, मतलब वेयर आर द पॉइंट्स
जहाँ पे नोड बने और एंटी नोड बने, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। तो x इज इक्वल टू जीरो पर आप देखेंगे क्लोज्ड एंड है और क्लोज्ड एंड पे नोड बनता है, नोड का मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो x इज इक्वल टू जीरो पे y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन जीरो जीरो, पूरा जीरो, तो नोड तो कुछ नहीं मिला। अब यहाँ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि x इज इक्वल टू l पे भी नोड बनेगा क्योंकि क्लोज्ड एंड है, और जब नोड बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होने वाला है। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा तो ये टर्म कॉस ओमेगा टी और 2r तो जीरो नहीं हो सकता, साइन के एक्स ही जीरो होगा ना, के एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स की जगह लिख देंगे हम एल, साइन के एल इज इक्वल टू जीरो, और जीरो साइन की जर्नल वैल्यू साइन में होती है साइन पाई जीरो, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, साइन फोर पाई, साइन में जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं पाई के वो सब जीरो होते हैं। तो साइन एन पाई, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री, तो के एल इज इक्वल टू एन पाई, के टू पाई वाई लेमडा होता है, टू पाई वाई लेमडा एल इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो लेमडा आ गया टू एल अपॉन एन। बहुत इंपॉर्टेंट है जो इक्वेशन होती है मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस डिस्कस करने के लिए, किस किस तरह के मोड में ऑसिलेशन होगा, किस किस तरह के मोड में फ्रीक्वेंसीज जेनरेट होंगी, लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई एन से निकल के आएगा। लेमडा इज इक्वल टू टू बाई एन, टू एल बाई एन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग, लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई एन फॉर स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग। तो ये याद रखना है। अब यहाँ से मोड स्टार्ट होंगे, सपोज नॉर्मल, अब ये देखो इधर आ जाओ, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट मोड। अब देखो अगर मेरे को फर्स्ट मोड डिस्कस करना है तो लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई एन, लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई एन में एन को वन लिख दूंगा, एन को वन लिख दूंगा तो लेमडा वन आएगा, फर्स्ट वेव लेंथ आएगी टू एल, एल इज इक्वल टू लेमडा वन बाई टू, मतलब इन द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की पूरी लेंथ में हाफ वेव बनेगी, हाफ इंसिडेंट हाफ रिफ्लेक्टेड, तो ये हाफ हो गई स्टैंडिंग वेव। अब फ्रीक्वेंसी v बाई लेमडा, बिकॉज v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, सो v अपॉन टू एल। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली से पिछली क्लास में, कि जो स्पीड होती है वो अंडर रूट टी बाई एम, सो वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाई एम, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया, यहाँ नोड बन गया, ये नोड बन गया, ये एंटी नोड बन गया। इसके बाद आप आ जाइएगा सेकेंड मोड पे, तो सेकेंड मोड के लिए क्या लिखेंगे, एन को टू लिख देंगे, तो लेमडा टू टू एल बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, लेमडा टू इज इक्वल टू एल, मतलब सेकेंड मोड में इन द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंप्लीट वेव विल बी फॉर्म्ड। तो ये पूरी वेव इंसिडेंट और फिर रिफ्लेक्टेड, तो नोड 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 और बीच में एंटी नोड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आएगा निकाल के टू न्यू वन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। मतलब जैसे उसमें लिखा है ना मैंने, ये सब अगर मैं करूँगा तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होगा, सेकंड मोड में जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी होगा, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस होगा और थर्ड मोड में थ्राइस होगा। तो इस तरह से फोर्थ मोड में फोर टाइम्स होगा। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल फर्दर फ्रीक्वेंसीज होते हैं, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ओके, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस तरह से। तो इस तरह से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मोर फ्रीक्वेंसीज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस विल हेल्प इन चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ साउंड। ओके, तो ये हमने इस तरह से आपने देखा कि जो स्टैंडिंग वेव हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने किसके लिए किया, हमने किया स्टैंडिंग वेव्स इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑर्गन पाइप्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स का एनालिसिस। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।